हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्स एनालिसिस एंड मोमेंट ऑफ फोर्स टॉपिक्स को से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए चलिए सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल है अनसॉल्व 2.13 ए के तहत। अ बार ए बी ऑफ वेट 100 न्यूटन इज हिंज्ड एट ए एंड इज पुल्ड बाय अ केबल अटैच्ड एट बी बाय अ फोर्स एफ। फाइंड द फोर्स एफ एंड the magnitude and the direction of reaction at A if the bar is in equilibrium position as shown in figure। तो ये एक hinged bar है जो A पर hinged है और इस hinged bar का जो weight है obviously वो AB length जो भी कुछ होगी उसकी उसका centrally जो midpoint से वो act करेगा वो होगा W equals to 100 Newton जो कि हमको value given है। तो अब हमको आगे देखना है कि इसमें हो क्या रहा है। ये बार की टेंडेंसी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइन होने की, ये इस डायरेक्शन में टिल्ट होगा, बट एक फोर्स है F, वो एक केबल के थ्रू पुल कर रहा है इस बार को एंड बी से, और इस बार का एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल है 45 डिग्री और केबल का विद रिस्पेक्ट टू दिस बार है 30 डिग्री, और ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब कि ना तो बार नीचे डायरेक्शन में जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट हो रहा है ना अपर डायरेक्शन में लिफ्ट हो रहा है, ये स्टेबल है। स्टेबल है मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में F फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है इस न्यूमेरिकल में। साथ ही साथ हमको ये पूछा गया है कि A पॉइंट पर जो रिएक्शन लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट मींस RA की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और साथ ही साथ उसका जो एंगल है लेट अस सपोज थीटा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वो भी हमको फाइंड आउट करना है, ये कहा गया है। तो यहाँ पर तीन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कही गई हैं, दैट इज एफ एंड देन उसके बाद आर ए, देन जो थीटा आर ए रिएक्शन बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये तीनों वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे एफ बी डी। तो एफ बी डी ऑफ बार ये जॉइंट्स जो है हमने उसके नेमिंग कर दी है। अब देखिए ये एंगल है F का, तो F एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू बार, और बार बना रहा है 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अगर हम इसके ये जो सेंट्रल प्लेट को हम कंसीडर करें जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है एट मिड पॉइंट, लेट अस नेम दिस मिड पॉइंट एज सी पॉइंट, तो ये 100 न्यूटन का जो वेट होगा इसकी लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं अपर डायरेक्शन में एंड एफ को भी एक्सटेंड करते हैं, तो वो इस पॉइंट पर कहीं ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो एफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पर, सिमिलरली अभी हमने पहले ही जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स में देखा था, तो थ्री फोर्स सिस्टम है और इक्विलिब्रियम में है एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में आ रहा है ये। तो दैट मींस कि जब जहां पर दो फोर्सेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स है और ये इंक्लाइंड जो फोर्स है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहती है कि जो आर ए होगा वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट ओ से पास होके जाएगा और उसका जो एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वो एंगल थीटा होगा। तो ये देखिए हम इसकी लाइन को और आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अब बात आती है इस फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद हमको इसका फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फोर्स डायग्राम क्यों बनाना है, क्योंकि हम समेशन fx और समेशन fy को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसको ड्रॉ करने के लिए हमको ये पता है कि इंटरसेक्शन हो रहा है यहां पर ये 100
न्यूटन का एंड एफ जो है वो इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू बार, और वो हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड होगा, देखिए बार का ये एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा ऑल्टरनेट एंगल वो बनेगा 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करें तो 15, दैट मींस कि एफ जो है वो हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री फॉर्म करेगा, इज दैट क्लियर, ये 30 डिग्री है ये टोटल 45 डिग्री होता है तो बचा कितना यहाँ पर 15 डिग्री, तो यहां से ये जो एंगल है वो 15 डिग्री का है, ये बना दिया हमने। अब जो आरए है वो इससे कन्वर्ज हो रहा है, हमको डाइवर्ज करते हुए दिखाना है, तो आरए की वैल्यू को हम यहाँ मेंशन करते हैं और एंगल शो कर देते हैं यहाँ पर थीटा। अब बात ये आती है कि हमको यहाँ पर एफ फोर्स मालूम नहीं है, इसके साथ का एसोसिएटेड जो एंगल है वो पता है, 1000 और इसके बीच सॉरी 100 न्यूटन और इसके बीच में जो एंगल है वो भी हमको पता है, बट यहाँ पर आरए हमको मालूम नहीं है, थीटा हमको मालूम नहीं है, दैट मींस यहाँ पर लेमिस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है कि यहाँ पर आपके पास 4 अननोन वैल्यूज आने वाली हैं, रीजन भी ये एंगल थीटा नोन नहीं है इसलिए ये एंगल अननोन हो गया, ये एंगल भी अननोन हो गया और दो फोर्सेस अननोन हो गए, सिर्फ यहाँ पर आपको दो वैल्यूज नोन है, ये एंगल और ये फोर्स की वैल्यू, सो दैट इज व्हाई हम यहाँ पर लेविस थ्योरम अप्लाई करने से गुरेज करेंगे, यहाँ पर हम उसको अवॉइड करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता क्या है इसको सॉल्व करने का, ठीक है चलिए समेशन ऑफ फोर्सेस को हम पहले सॉल्व करते, अगर हमको क्या क्या निकालना है ये पता हो तो हम क्या करते हैं इस मोमेंट पर यहाँ पर मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, मोमेंट इक्वेशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो मोमेंट अबाउट ए लेंगे, ठीक है तो मोमेंट अबाउट अगर आप ए लेते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि एफ को हमको दो डायरेक्शंस में बायफरकेट करना पड़ेगा, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल दैट इज एफ कॉस 15 डिग्री एक एफ साइन 15 डिग्री, ये 15 डिग्री कहां से आया, ये इस जगह पर यहां पर जो हमने एंगल आपने देखा था ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो दिस एंगल विल बी 15 डिग्री, इसलिए मेजर 15 डिग्री, ठीक है तो हमने इसको बायफरकेट कर लिया दो पार्ट पे। अब बात ये आती है कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए आपको एक मोमेंट इक्वेशन बनानी पड़ेगी, हम ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं, अगर हम ए पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लेते हैं तो देखिए समेशन ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए वी गेट कौन से फोर्सेस हैं ए पॉइंट के अबाउट 100 न्यूटन है और एफ का कॉस कंपोनेंट एफ का साइन कंपोनेंट, तो हम पहले यहां पर फोर्सेस लिख लेते हैं, यहां पर एफ का साइन कंपोनेंट एफ साइन 15 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कुछ होगा, देखते हैं क्या डिस्टेंस लेना बात की जाएगी। अब आते हैं आगे एफ कॉस 15 डिग्री डिस्टेंस लेना है, आगे देखते हैं क्या आएगा, थर्ड जो आता है वो 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन का जो डिस्टेंस है उसको भी हम देखते हैं कि आगे कितना आएगा और कहां से हम इसको पिक करेंगे इस वैल्यू को, पहले तो हमने ये फोर्सेस देख लिए। अब अगर इस 100 न्यूटन को नीचे सबटेंड किया जाए यहां एक्सटेंड करते हैं हम, तो लेट अस नेम दिस पॉइंट एज बी पॉइंट एंड एक्सटेंड दिस पॉइंट एज ई, नेम दिस पॉइंट एज ई, और इसके अलावा आपको किसी और डिस्टेंस को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एफ कॉस 15 जो डिस्टेंस बनाएगा वो बी ई के बराबर होगा और एफ साइन 15 जो बना रहा है वो ए ई के बराबर होगा और 100 जो बना रहा है वो ए डी के बराबर होगा, तो पहले हम यहाँ पे डिस्टेंसेस लिख लेते हैं, एफ साइन 15 ए के अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म कर रहा है वो है ए ई
तो यहाँ पर हमने AE मेंशन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, F cos 15 कितना बना रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही है, दो पॉइंट्स के बीच में से लाइन पैरेलल पास हो रही है अगर वहां से, और तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BE, तो यहाँ पर हमने लिख दिया BE। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने फोर्स 100 जो है वो ड्रॉप किया नीचे यहाँ पर, तो डिस्टेंस है AD, तो यहाँ मेंशन कर दिया हमने AD। अब आगे बढ़ते हैं, हमको कौन से क्लॉकवाइज और कौन से एंटी क्लॉकवाइज दिशा, एफ साइन 15 जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, एफ कॉस 15 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ए के अबाउट, इसलिए नेगेटिव आएगा, और 100 इंटू एडी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव आएगा। अब बात आती है हमको एई बीई और एडी की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट वैल्यू ऑफ AE, AE इक्वल्स टू क्या होगा, तो AE के लिए हमने ये ट्राइंगल जो फॉर्म किया हुआ है यहाँ पर उसको रिड्रॉ कर लेते हैं, A, B, C, D, E, लेट अस कंसीडर दिस लेंथ AB एज L, अगर हम इसको L लेंथ ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा AB इक्वल्स टू L एंड देयरफॉर AC equals to BC equals to L by 2, got it? ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी हमको पता है। अब आगे की बात, हमको यहाँ पर जब AE फॉर्म करना है मतलब बेस पता करना है, तो cos of 45 डिग्री equals to AE by AB, that is AE equals to L cos 45 डिग्री, एक तो ये वैल्यू हो गई। दूसरा हमको BE फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin 45 डिग्री इक्वल्स टू BE डिवाइडेड बाय AB, देयरफॉर BE की वैल्यू होती है इक्वल्स टू L sin 45 डिग्री, ठीक है, ये भी फाइंड आउट हो गया। अब बात आती है AD की, तो सिंस ये C पॉइंट जो है सेंटर मिड पॉइंट से जा रहा है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यू CD की होगी वो BE का हाफ होगा, है ना, और सिमिलरली AD की वैल्यू जो होगी वो DE के बराबर होगी, वैसे ही AC की वैल्यू BC के बराबर है, तो आपको जो ट्राइंगल फाइंड आउट करना है वो आप ACD को लेके सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज आपको AD सॉल्व करना है, तो cos ऑफ 45 डिग्री ये कहां से आएगा, From triangle, considering triangle ACD, और यहाँ पर हमने कौन सा triangle लिया था? Triangle ABE, ये triangle ABE से दोनों values आई, और triangle ACD से अब जो value cos 45 की ले रहे हैं हम, equals to क्या होगा? AD by AC, तो AC की value हमने निकाली हुई है यहाँ से L by 2, तो क्या हो जाएगा? AD equals to L by 2 cos 45 डिग्री, तो ये भी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल के रखी। अब बात ये आती है कि इन वैल्यूज को हमको सब्स्टिट्यूट करना है वहां पर, तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम यहाँ पर इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं, अगेन F sin 15 इंटू A की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन को, चलिए नेम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट की AE की वैल्यू, तो AE की वैल्यू है L cos 45 डिग्री एंड फिर माइनस F cos 15 डिग्री इनटू BE की वैल्यू है L sin 45 डिग्री, देन प्लस है 100 इनटू क्या है वैल्यू AD, AD की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया हमने L by 2, तो L by 2 cos 45 डिग्री। अब L की सारी वैल्यूज को अगर लेफ्ट हैंड साइड कॉमन ले जाकर राइट हैंड साइड में जीरो कर दें तो फिर बचेगा हमारे पास यहां पर F sin 15 डिग्री cos 45 माइनस cos 15 डिग्री
साइन 45 डिग्री प्लस 100 कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू जीरो। चलिए ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमको साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो दैट मीन्स कि एफ और यहां पर साथ में आ जाएगा साइन ऑफ क्या आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू डिफरेंट साइन ऑफ ए माइनस बी हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, साइन ऑफ ए माइनस बी अप्लाई करने के बाद अब वैल्यू वाले यहां पर हमको एफ की फाइंड आउट करनी है। तो एफ इक्वल्स टू माइनस 100 कॉस 45 डिग्री बाय माइनस साइन 30, एज वी नो कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां पर हम अब अप्लाई जो कर रहे हैं उसके लिए हमको सॉल्व करना है इसके 100 इंटू कॉस। तो देखिए यहां पर वैल्यूज आई है एफ साइन 15 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री साइन 45 डिग्री प्लस 100 कॉस ऑफ 45 डिग्री बाय 2। तो 100 बाय 2 इक्वल्स टू 0 यहां पर। अब वैल्यू आती है यहां पर हमको एज वी नो कि 100 डिवाइड बाय 2 हमारा यहां पर वैल्यू 50 आ जाएगा और ये 50 कॉस 45 से हमारी वैल्यू आती है सॉल्व करने से 70.71 न्यूटन्स इसकी वैल्यू आई है, एफ की वैल्यू आ गई। अब हमारी टास्क है कि हमको फाइंड आउट करना है आरए की वैल्यू को। तो आरए की वैल्यू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहां पर। तो एफ की वैल्यू हमने 70.71 फाइंड आउट कर ली है। अब 70.71 फाइंड आउट करने के बाद यहां पर हमको आरए को कॉस और साइन कंपोनेंट्स पर डिवाइड कर लिया, आरए साइन थीटा और आरए कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पर एफ की 75 के साथ लें या 15 के साथ लें एक ही बात है, और अगर 15 के साथ लेते हैं तो एफ कॉस 15 डिग्री और एफ साइन 15 डिग्री। इन दिस वे अगर हम देखते हैं तो दो इक्वेशंस बनेंगी यहां पर, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई। समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो करते हैं तो आर ए कॉस थीटा माइनस एफ कॉस 15 इक्वल्स टू जीरो, एक ही इक्वेशन बनी। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आर ए कॉस थीटा इक्वल्स टू 70.71 कॉस 15 डिग्री। तो आर ए की वैल्यू आर ए कॉस थीटा के फॉर्म में हमारी वैल्यू आ रही है 70.71 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 15 इक्वल्स टू 68.30। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने मार्क कर ली। अब सिमिलरली हम यहां पे सॉल्व करेंगे समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो सॉल्व करते हैं तो आर ए साइन थीटा माइनस 100 माइनस एफ साइन 15 डिग्री। तो इस तरीके से आर ए साइन थीटा इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा 100 प्लस एफ की वैल्यू है 70.71 साइन 15 डिग्री। तो यहां पर आर ए साइन थीटा की जो इक्वेशन आएगी उसको हम इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लेंगे। वैल्यूज देखते हैं पहले क्या है, क्या है इसकी, साइन 15 इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 70.71 इक्वल्स टू 18 देन प्लस 100 इक्वल्स टू 118.30। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की वैल्यू आ रही है। हम एक काम करते हैं कि हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 2 यहां पर आएगा, डिवाइडिंग थ्री बाय टू वी गेट आर ए साइन थीटा बाय आर ए कॉस थीटा इक्वल्स टू
118.30 divided by 68.30, therefore यहाँ पर tan theta के फॉर्म में वैल्यू आती है 1.732। अगर ऐसा है तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1.732 इक्वल्स टू 60 डिग्री मान के चलते हैं हम, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आ रहा है। अगर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आ रहा है तो हम इस थीटा को या तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं या इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी विल गेट वैल्यू ऑफ क्या, आर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आर ए cos ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू 68.30, therefore आर ए इक्वल्स टू यहां पर है 136.60 इसकी वैल्यू आ रही है। ये आया आरए की वैल्यू, आरए का सॉल्यूशन। तो अब जैसे कि हमने तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, अब हम उनको डाइवर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। एफ इक्वल्स टू 70.71 न्यूटन, नेक्स्ट इज आरए इक्वल्स टू 136.6 न्यूटन एंड थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो जिस ऑर्डर में हमसे पूछा गया था हमने ये सॉल्यूशन निकाल दिया। तो आपको ये अगर सॉल्यूशन समझ में आ गया है और अगर या फिर कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, वहां पर आपके डाउट्स का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।